दोस्तों, हर इंडियन लाइफ में कम से कम एक बार अपने दोस्तों के साथ या सोलो एक गोवा ट्रिप का प्लान तो जरूर करता है। और इसमें कोई सरप्राइज भी नहीं है, क्योंकि गोवा एक ऐसी जगह है जिससे हर कोई इम्प्रेस हो जाता है। गोवा अपने सीरीन बीचेस, वेस्टर्न घाट्स, लश ग्रीनरी, सीनिक वाटरफॉल और बेहतरीन नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है। गोवा अगर आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी अलग ही दुनिया में आ गए, यहाँ का चार्म ही कुछ ऐसा है। और इन सब बीचेस और नाइट लाइफ के अलावा गोवा की हिस्ट्री और आर्किटेक्चर भी उतना ही अट्रैक्टिव है। गोवा में पोर्टुगीज रूल होने की वजह से यहाँ की ज्यादातर आर्किटेक्चर में पूरी तरीके से वेस्टर्न फील आती है। इसके अलावा गोवा में काफी सारे एंशियंट फोर्ट्स भी हैं, जो कि गोवा के इतने फेमस होने के बाद भी थोड़े से अनडिस्कवर्ड हैं। और जितना सुंदर गोवा खुद है, उतनी ही सुंदर यहाँ तक की जर्नी भी है। अब क्योंकि गोवा इंडिया के सबसे सीनिक माउंटेन रेंजेस में से एक वेस्टर्न घाट्स में स्थित है, इसलिए अगर आप वेस्टर्न घाट्स की किसी भी सिटी से यहाँ आ रहे हैं तो वो जर्नी बहुत ही अमेजिंग होती है। मुंबई से गोवा तक की जर्नी तो काफी फेमस है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप मुंबई से गोवा आने का प्लान कर रहे हैं तो आपको फ्लाइट्स की बजाय रोड या ट्रेन से ट्रेवल करना चाहिए। रीजन, अमेजिंग व्यूज ऑन द गो। मुंबई से गोवा की रोड ट्रिप और ट्रेन जर्नी बहुत ही अमेजिंग होती है। इनफैक्ट मुंबई से गोवा के ट्रेन रूट को इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन जर्नीज में काउंट किया जाता है। और इन्हीं ट्रेन जर्नी के एक्सपीरियंस को एक स्टेप और ऊपर लेके जाता है जन शताब्दी का विस्टाडोम कोच। इन विस्टाडोम कोचेस में आपको मुंबई से गोवा की ट्रेन जर्नी का एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है, जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। पहले मैं आपको विस्टाडोम कोचेस के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। विस्टाडोम एक इंडियन रेलवे द्वारा चलाए गए स्पेशल कोचेस हैं, जो कि उन ट्रेन के साथ अटैच किए जाते हैं जहाँ टूरिस्ट ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। अभी के टाइम पे इंडिया में 41 विस्टाडोम कोचेज हैं, जो कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, कालका शिमला रेलवे और भी कई ट्रेन्स के साथ साथ मुंबई से गोवा तक की जन शताब्दी एक्सप्रेस में भी इंट्रोड्यूस किए जा चुके हैं। विस्टाडोम कोचेस में बहुत ही लार्ज और वाइड ग्लास विंडोज को इंस्टॉल किया गया है, जिसकी वजह से हमें पूरी जर्नी का बहुत ही अमेजिंग व्यू मिलता है। इन कोचेस की सीट भी काफी लग्जरियस और 180 डिग्री रोटेशन के साथ आती है, मतलब आप जैसे चाहें वैसे इन सीट्स को रोटेट कर सकते हैं और इस जर्नी के व्यूज का मजा ले सकते हैं। और इसके अलावा इन कोचेस में ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर, LCD टीवी, मिनी ओवन, मिनी रेफ्रिजरेटर, सेपरेट लगेज एरिया और जूसर ग्राइंडर तक मिलता है। ये ट्रेन हफ्ते में 6 दिन मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से गोवा के मडगांव स्टेशन तक चलती है, जो कि एक 9 घंटे लंबी ट्रेन जर्नी है। इन विस्टाडोम कोचेस में आपको किसी लग्जरियस ट्रेन से कम की फीलिंग नहीं आने वाली है। और साथ में वेस्टर्न घाट्स के अनडिस्टर्ब्ड व्यूज का जो नज़ारा मिलता है, उसका तो खैर कोई कंपैरिजन ही नहीं है। दोस्तों, गोवा अपने बीचेस के लिए तो फेमस है ही, लेकिन उसके अलावा जो चीज इस जर्नी को सबसे स्पेशल बनाती है वो है वेस्टर्न घाट्स की लश ग्रीनरी, सीनिक वाटरफॉल और चिल्ड आउट वाइब। और अगर आप मॉनसून में या मॉनसून के जस्ट बाद यहाँ आ रहे हैं तो ये एक्सपीरियंस और भी ज्यादा मजेदार हो जाएगा। दोस्तों, ट्रेन जर्नी में एक छोटा सा ड्रॉबैक ये होता है कि हमें साइड्स का तो अच्छा व्यू मिल जाता है, लेकिन आगे और पीछे की विंडो पैसेंजर्स के लिए एक्सेसिबल नहीं होती। लेकिन विस्टाडोम कोचेस में इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन है। विस्टाडोम कोचेस इन ट्रेन के एंड में लगे हैं और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी ग्लास विंडो है, जिससे आपको ट्रेन के पीछे का भी बहुत ही शानदार व्यू देखने को मिलता है। इन कोचेस का रूफ भी हार्ड ग्लास से बना है, जिसकी वजह से आपको यहाँ काफी ओपन और एयरी फील मिलेगी। वेस्टर्न घाट्स के व्यूज एकदम हेवनली फील देते हैं। और ट्रेन जर्नीज के साथ हम इंडियंस का एक स्पेशल कनेक्ट तो होता ही है। और ऐसे में अगर आपको मुंबई से गोवा तक ट्रेन से ट्रेवल करने का मौका मिले तो आपको इन विस्टाडोम कोचेस में ट्रेवल करना बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मेरा मानना है कि जब हम किसी भी जगह पे ट्रैवल कर रहे होते हैं तो डेस्टिनेशन तक की जर्नी भी उतनी इम्पोर्टेंट होती है जितनी की डेस्टिनेशन खुद। और अगर जर्नी ऐसी हो तो डेस्टिनेशन का मजा अपने आप दुगना हो जाता है। तो मैं आपको बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आपको लाइफ में कम से कम एक बार मुंबई से गोवा तक की इस ट्रेन जर्नी को जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। और अगर आप इन विस्टाडोम कोचेज में ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एडवांस में ही बुकिंग करके रखें, क्योंकि अभी इस ट्रेन में सिर्फ एक विस्टाडोम कोच है और उसमें भी सिर्फ 44 सीट्स अवेलेबल है, जिसकी बुकिंग बहुत ही जल्दी हो जाती है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से मदगांव तक का फेयर 2,200 रुपये है, जो कि थोड़ा ज़्यादा लगता है, बट जो व्यूज़ और वाइब्स यहाँ से मिलती है वो पूरी तरीके से वर्थ इट है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का स्पेशल जर्नी बेस्ड वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, टिल दैट टाइम गुड बाय।